पल्लवी पटेल ऐसे में आएंगी तो कोई असर भारतीय जनता पार्टी और अपना दल पर नहीं होगा। ये चुनाव निश्चित ही राजेंद्र अश्विनी जी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। वो सरकार में सरकार बना रही है, फिर से एक बार वो मंत्री बन के जिले में काम करेंगे। इस बार उनके विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र अश्विनी को लड़ाया है। राजेंद्र अश्विनी जी भारी बहुमत से सांसद बने। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लोकसभा का जो चुनाव है वो आखिरी चरण में है। उस समय गर्मी विकराल रहेगी और इस समय पे जो राजनीतिक चर्चा है वो बाजार में काफ़ी गर्म देखने को मिल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं मिर्जापुर के एक बाज़ार में और हम कोशिश करेंगे जानने की कि आम पब्लिक से कि आखिर जो अभी तक डिक्लेयर हुआ है, लोगों की घोषणा हुई है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे दिए गए हैं सपा की तरफ से, भाजपा की तरफ से और अन्य दलों की तरफ से, उसको किस रूप में लेते हैं ये बताइए। कि फिलहाल लगभग घोषणा हो चुकी है कि सपा के कैंडिडेट राजेंद्र अश्विन जी हैं और आपके बीजेपी की तरफ से अनुप्रिया पटेल जी होंगी और संभावना ये भी जताई जा रही है कि पल्लवी पटेल अपनी एक कैंडिडेट यहाँ से उतारेंगे या खुद रहेंगी। तो अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल बहन हैं, इसको किस रूप में आप देखते हैं? चुनाव के उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अनुप्रिया जी लगातार 10 साल से मिर्जापुर जनपद में काम कर रही हैं, भारत सरकार की मंत्री भी हैं और बहुत सहज पति पत्नी दोनों लोग यहाँ हैं, कार्य कर रहे हैं। अगर पल्लवी पटेल ऐसे में आएंगी तो कोई असर भारतीय जनता पार्टी और अपना दल पर नहीं होगा। हम लोगों को लगता है कि पिछली बार से इस बार और अच्छे वोट से अनुप्रिया जी यहाँ से चुन के जाएंगी। सपा की तरफ से राजेंद्र एस बिंद इस बार उतारे गए हैं मैदान में, तो ये बताइए कि कास्टिज में वोटों का ध्रुवीकरण क्या देखते हैं? अभी आपने बताया ना कि बिंद जी हैं, लेकिन कमेरावादी से भी बात चल रही है। अभी तो इनके वोटर कंफ्यूज हैं, जो इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कब ये टिकट कट जाएगा, कब कमेरावादी को चला जाएगा, कब बसपा का टिकट मनीष जी का कट के किसी और को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वोटर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आश्वस्त हैं, किसी भी कास्टिज्म पे, किसी भी उस पर कुछ कोई असर नहीं पड़ना है। चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लाभान्वित है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि अनुप्रिया पटेल जी यहाँ से तीसरी बार पूर्ण बहुमत से, अच्छे बहुमत से जीत करके जाएंगी यहाँ से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि इनका मानना है कि अनुप्रिया पटेल जी इस बार तीसरी बार आएंगी, आप क्या देखते हैं इसको? सही कह रहे हैं, तीसरी बार आएंगी। हाँ, पक्का। किस मुद्दे पे आएंगी, कैसे आएंगी? विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे। हाँ, उसका एकदम धारा बह रहा है, देखिए चारों तरफ रोड वगैरह। तो जैसा कि पब्लिक ये कह रही है कि अनुप्रिया जी आएंगी, विकास के मुद्दे पे आएंगी, इंडिया अलायंस और NDA का लगभग खाका पूरा तैयार है, क्या देखते हैं आप इस चुनाव को अपनी दृष्टि से? ये चुनाव निश्चित ही राजेंद्र अश्विन जी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अनुप्रिया जी 10 साल से यहाँ सांसद हैं, मंत्री भी रही हैं और यहाँ पे किस तरह का विकास हुआ है आप देख लीजिए। यहाँ पे एक फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि राज ठाकरे जी, जिससे अमित शाह जी मिलने गए थे, वो कह रहे थे कि यूपी बिहार झारखंड के लोग वहीं रहें और उत्तर प्रदेश से इतने प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक क्यों हमारे यहाँ, हमारे महाराष्ट्र में आते हैं रोजगार के लिए? हमारे यहाँ भीड़ इतनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, 28 ट्रेनें रोज आ रही हैं तो हमारे यहाँ ना आए लोग। तो हम यही जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं और कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बने, लेकिन आज हमारे आसपास रोजगार कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है? छोटे छोटे प्रदेशों में इतनी फैक्ट्रियाँ, इतने रोजगार हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए। सब उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग जाके झारखंड, यहाँ वहाँ छत्तीसगढ़ सब बसे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोजगार कहाँ? हमारे यहाँ रोजगार, उद्योग मंत्री हैं, मिर्जापुर में कौन सा उद्योग लग गया बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? जैसा कि इनका मानना है, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, उद्योग मंत्री हैं, उद्योग भी नहीं है, तो ऐसे में क्या मानते हैं आप? यहाँ का सबसे पुराना व्यवसाय पीतल बर्तन, पीतल बर्तन व्यवसायियों के कारखाने भी पिछले हफ्ता प्रदूषण का और विभागीय अधिकारियों के इतना ताबड़तोड़ छापा पड़ा कि इस होली के सीजन में 10 दिन पूरी मंडी बंद रही और यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया जी और चुनाव के सर पे है। एक दिन वो जानने नहीं आए कि किस वजह से छापेमारी हो रही है, क्या वसूली हो रही है और क्या व्यापारियों को असुविधा हो रही है। क्या वो अपेक्षा करती हैं कि इस बीच में व्यापारी पूरा उनका मदद करेगा? कहीं से कोई नगर का कोई भी पीतल बर्तन व्यवसायी उनको वोट नहीं करेगा,
इस बार उनके विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र एस बिंदु को लड़ाया है। राजेंद्र एस बिंदु जी भारी बहुमत से सांसद बनेंगे। दूसरी बात ये कि राजेंद्र एस बिंदु एक तरफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल की खुद की बहन है पल्लवी पटेल, वो मैदान में आ रही है, तो इसको कैसा आप आते हैं? क्या वो पटेल वोट को काटेंगी कि नहीं काटेंगी, क्या हो? लड़ाई केवल अनुप्रिया पटेल का और राजेंद्र एस बिंदु का है, और राजेंद्र एस बिंदु जी उन पे अभी भी भारी हैं, और बेचैनी इस तरीके की रही है कि राजेंद्र एस बिंदु जी मिर्जापुर नहीं है और बिंद वोटरों को साजने के लिए मूर्ति अनावरण किया जा रहा है। तो इस समय हम मौजूद हैं एक चाय की दुकान पे, और आप ये चाय के ओनर भी हैं, और प्लस यहाँ पे जो जमघट लगता है उसको बारीकी से सुनते भी हैं, जानते भी हैं। तो ये बताइए, इस बार जो कैंडिडेट है राजेंद्र एस बिंद सपा से हैं, आपकी अनुप्रिया पटेल जी भाजपा की तरफ से रहेंगी, और पल्लवी पटेल भी आ रही हैं, तो पटेल जो वोट है क्या वो छिटकेगा, या राजेंद्र एस बिंद जी को आने से सपा को फायदा होगा, क्या होगा? सबसे पहले माँ बिंदवासिनी की नगरी में आपका स्वागत है News 24 को। और रही बात राजनीति की, तो राजनीतिक सरगर्मियाँ धीरे धीरे चढ़ रही हैं, और मैं तो एक चाय विक्रेता हूँ, आगे प्रधानमंत्री बनने का सपना है मेरा भी। और रही बात अनुप्रिया जी की, तो पहली पसंद है जिले की, नो डाउट, और फिर से वो सरकार में सरकार बना रही हैं, फिर से एक बार वो मंत्री बन के जिले में काम करेंगी, यही मेरी आशा है। दादा, क्या मानते हैं चुनाव में क्या होने वाला है? होने वाला है मतलब कौन जीतेगा? अब जीतेगा चाहे जो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, चाहे जो कैसे कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, राहुल मेहनत कर रहा है, जहाँ लोग भाजपा वाले नहीं गए वहाँ गया बेचारा, ये सब क्या है, पब्लिक में एक अहमियत बढ़ रही है उसकी। लेकिन ये माना जा रहा है इस बार राहुल खुद मतलब अभी नहीं उतरे हैं मैदान में, तो राहुल उतरे या ना उतरे उसकी पार्टी मेहनत कर रही है, इस लिहाज से ये देखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होगी उसमें चाहे जो भी, लड़ाई लोग कटेगा और लड़ाई दोनों में रहेगी, कांग्रेस और भाजपा, सपा हो चाहे बसपा हो, सब आपस में लड़ेंगे, सब वोट काटेंगे एक दूसरे का। अनुप्रिया पटेल के सामने पल्लवी पटेल और RS बिन, ये दोनों आ रहे हैं, तो जातिगत आंकड़े किस हिसाब से आप देखते हैं? ये जातिगत आंकड़ों की बात तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि समय जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास विकास और सबका विश्वास, इतना मिर्जापुर में विकास हुआ है, अनुप्रिया जी ने जितने कार्य कराए हैं, और हमारी योगी जी मोदी जी द्वारा जो भी योजनाएं आई हैं, जैसे अभी नया नया पुल का शिलान्यास हुआ है, विश्वविद्यालय बना है, साथ में यहाँ पर जो तेल की रिफाइनरी बन रही है बहुत बड़ा, और ये जो रीवा 6 लेन बना बाईपास होते हुए नारायणपुर, इतने प्रोजेक्ट मिर्जापुर में आए हैं कि जन जन के बीच में यह है कि हमारे इस बार तिवारा यहाँ अनुप्रिया जी और मोदी जी के लिए, यहाँ अनुप्रिया जी के लिए मतदाता वोट करेगा, और पिछली बार से ज़्यादा मतों से उनको जिता करके लोकसभा में भेजने का काम यहाँ की जनता करेगी, किसी के आने से कोई असर नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहन या उनकी माँ आ रही है, कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जात के ऊपर उठकर मोदी जी को वोट देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का जादू चलेगा और विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। मुझे जी इनका मानना है कि यहाँ विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। एक दुकानदार और है, ये बताइए चुनाव में कौन भारी पड़ेगा? विकास कह रहे हैं ना, विकास के होता में हाँ इतना विकास करें हम क्षेत्र में कि वो नहीं के सब चले वोट दे। तो जैसा कि मिर्जापुर में लोगों का अलग अलग मत है, अब ये देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा वही बताएगा कि कौन भारी पड़ेगा और कौन कमतर। मिर्जापुर से इंद्रेश पांडे News 24।